मैं मनीष सक्सेना हूँ, मध्य प्रदेश वॉलंटियर हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से जिंकोरस परियोजना मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास में जो समय जिम्मेदारी है लगभग मध्य प्रदेश के 51 जिलों में से 23 जिलों की जिम्मेदारी मेरे पास में है इस परियोजना की। इन 23 जिलों में मेरे पास में मौजूद 70 लोगों की टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। विगत 1.5 साल से ये परियोजना मध्य प्रदेश में चल रही है और परियोजना का जो ओवरऑल उद्देश्य जो है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से प्रदेश में होने वाली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की दस्त से होने वाली मृत्युओं को कम करना। तो इस परियोजना को, इस ध्येय को लेकर हम लोग हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। मेरे पास में जो टीम है वो 4 डिवीज़न से मध्य प्रदेश के 4 संभाग, जिसमें एक एक रीजनल कोऑर्डिनेटर है, और टोटल 63 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कि एक एक व्यक्ति 2 से 3 ब्लॉक्स में काम कर रहा होता है। इनका जो रोज का काम है हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स का, इनको दैनिक रूप से गांव में भ्रमण करते हुए गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबसे ज़मीनी कार्यकर्ता, जिसको कि आशा कार्यकर्ता बोला जाता है, आशा कार्यकर्ताओं के साथ में दैनिक रूप से इनको व्यक्तिगत मुलाकात करनी होती है। व्यक्तिगत भेंट के दौरान उनसे चर्चाएँ करते हैं परियोजना के संबंधित में, उसके ज्ञान का आकलन करते हैं, उसने अपने क्षेत्र में विगत 15 दिनों में कितने दस्त के प्रकरणों को देखा है, उसके पास में दस्त का प्रबंधन करने के लिए जो दवाइयां मौजूद होना चाहिए ORS और जिंक वो कितना मौजूद है, उसकी संख्याओं का आकलन वो लोग वहाँ पर करते हैं, और ये देखकर आते हैं कि आशाओं के पास में ज्ञान कितना है। अगर ज्ञान में चर्चा के दौरान ज्ञान में कुछ कमी आती है तो वहीं की वहीं उस ज्ञान में सुधार करने का काम भी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को दैनिक रूप से करना होता है। ये प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 आशाओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे होते हैं लोग, और शाम को आके फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। अभी तक जो प्रोसेस है इसके अंदर, इनको जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स इनको दिए हुए हैं तो हार्ड कॉपी में रिपोर्टिंग इन लोगों को करनी होती थी। विगत कुछ महीने से हम लोग ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि दस्तावेज का बोझ बहुत सारा बढ़ रहा था परियोजना के अंतर्गत। वो सारे के सारे दस्तावेज जो संकलित हो रहे थे वो कागज़ के शेप में हो रहे थे। कागज़ों के बाद प्राप्त होने वाला दस्तावेज का एनालाइज करने में, उसका अध्ययन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अतः अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग डाटा को कंपाइल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो डेली यूनिक कॉन्टेक्ट कर रहा होता है, उसके लिए एक MR रिपोर्टिंग का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करना शुरू किया है, जिसके माध्यम से मेरे सारे के सारे BCs डेली यूनिक कॉन्टेक्ट की एंट्री MIS में एंट्री कर रहे होते हैं, जिससे कि चूँकि अब डाटा मेरे पास में सॉफ्ट कॉपी में आ रहा है, तो मेरे लेवल पर या मेरे रीजनल कोऑर्डिनेटर के लेवल पर उन डाटा को अध्ययन करने में, उस डाटा के परिणाम निकालने में, उसको एनालाइज करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा सा रुकिएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जब से हम लोगों ने शुरू किया, तब से सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे स्तर पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि सारा का सारा डाटा मेरे पास में सॉफ्ट कॉपी शेप में है, जिस डाटा को मैं रेगुलर बेसिस पे एनालाइज कर पाता हूँ। एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को साल भर के अंतराल के दौरान उनके क्षेत्र में जो भी आशा कार्यकर्ता है उनसे भेंट लगभग 8 बार करनी होती है। तो हम लोग को ये देखने में आसानी हो जाती है, चूँकि डाटा मेरे पास में पूरा सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, कि एक BC साल भर में एक आशा के साथ में कितनी बार भेंट कर पा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है इसका, कि प्रदेश भर में विभिन्न ग्राम आरोग्य केंद्र पर जो अति आवश्यक दवाइयाँ हैं ORS और जिंक, वो किस केंद्र पर कितनी कितनी मौजूद हैं, वो मैं डिवीज़न वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, और इवन अगर चाहूँ तो विलेज वाइज भी निकाल पाता हूँ, और जहाँ पर जो गैप्स दिख रहे होते हैं उसको मैं बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई करके उनको कंसर्न पर्सन्स के साथ एड्रेस भी कर पाता हूँ। दूसरा बेनिफिट और जो इसका हम लोग देख पा रहे हैं कि सारा का सारा डाटा क्योंकि मेरे पास में सॉफ्ट में मौजूद है, कि जो भी BCs हमारे काम कर रहे हैं, तो डायरियल एपिसोड्स एंड डायरियल डेथ्स, ये 2 तरीके का डाटा जो हमारा कलेक्ट होता है, तो हम उसको भी एनालाइज कर पा रहे होते हैं कि डायरियल के इंसिडेंसेस कितने हुए और डायरियल डेथ्स कहाँ पर हुई, जो कि हमको ये मदद करने में मददगार साबित होता है कि किस एरिया में ज़्यादा इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता है, जहाँ पर कि स्थितियाँ सीवियर हो रही हैं या स्थितियाँ थोड़ी सी नियंत्रण के बाहर हो रही हैं। तो उस लिहाज से अगर हम लोग जब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे स्तर पर मददगार साबित हो रही है।